बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसानों का धरना पांचवें दिन भी जारी। फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम की कर रहे हैं मांग। स्वामीनाथन संघर्ष समिति के बैनर तले किसान बैठे हैं लघु सचिवालय के बाहर धरने पर। किसानों ने किया बड़ा ऐलान, क्लेम की राशि न मिलने पर मुख्यमंत्री के प्रस्तावित डबवाली दौरे पर किया जाएगा विरोध। ब्याज सहित बीमा कंपनी करे किसानों के क्लेम का भुगतान। देखिए पल पल की सुरेंद्र भाटिया अमर सिंह की रिपोर्ट। बीमा क्लेम की राशि की मांग को लेकर किसानों का धरना पांचवें दिन भी जारी है। किसानों ने आरोप लगाया कि पांच दिन धरने को हो चुके हैं लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे बातचीत नहीं की। किसानों का कहना है कि सिरसा जिले में करीबन 172 करोड़ रुपए का क्लेम बकाया है जबकि बाकी जिलों में किसानों को बीमा क्लेम मिल चुका है। हम कोई सरकार से मुआवजा या भीख नहीं मांग रहे, हमने प्रीमियम साल पहले कटाया था, अब तक हमारे क्लेम का 170 करोड़ का भुगतान नहीं हुआ। यदि जल्द क्लेम का भुगतान नहीं हुआ तो 25 तारीख को जो मुख्यमंत्री की प्रस्तावित रैली डबवाली में है उसका किसान खुलकर विरोध करेंगे। जब तक हमारा क्लेम नहीं आएगा हरियाणा सरकार के किसी मंत्री और मुख्यमंत्री को सरसा जिला के अंदर कदम नहीं रखने देंगे। ये किसानों का फैसला है, किसानों का। देखिए जब क्लेम कटता है तो ना किसानों से कोई कागज मांगा जाता है, ना किसानों से कोई पहचान पत्र, एक बटन होता है कंप्यूटर का, दबते ही क्रेडिट कार्ड किसान का जो खाता है उससे वो पैसा काट लिया जाता है। तो ऐसी कोई स्कीम नहीं है, बैंक के अंदर पैसा आएगा फिर डलेगा। जिस बटन से उन्होंने पैसा काटा है वो बटन उन्हें एक बार फिर दबाने की जरूरत है। वो बटन दबते ही पूरे सरसा जिला किसानों के अंदर आधे घंटे के अंदर पैसा वितरित हो जाएगा। ये मुआवजे का पैसा नहीं है, आपको उस महीने या दो महीने का समय लगेगा। इस करके साथ में अब हमारी मांग ये है, हमें बीमा क्लेम के साथ साथ सरकार की चार दिन पहले नीति घोषणा हुई है, यदि क्लेम के अंदर 10 दिन भी लेट होंगे तो 8% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो पिछले एक साल का ब्याज का भुगतान भी बीमा क्लेम का ये प्राइवेट बीमा कंपनियां करें। सीएम साहब से हम लोगों की 3 बार मुलाकात हो चुकी, हर बार सीएम साहब आगे की तारीख दे देते हैं। ये बीमा कंपनियों कॉरपोरेट घरानों की सरकार है जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की भी चिंता नहीं करती। तो अब हमने आर पार लड़ाई लड़ने का फैसला किया है। सीएम को डीसी को ज्ञापन देने से कोई फायदा नहीं, हरियाणा सरकार को सारे मुद्दे का पता है और ये अगर हमारे जन दबाव के कारण ये कंपनियां क्लेम भुगतान करेगी नहीं, इनकी नीति में खोट है।